हमने सभी प्रदेशों में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके लिफ्ट दिए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, सड़क पर अगर आप इलीगल रिक्शा चलता हुआ देखते हैं, उसके ड्राइवर से गाड़ी पे कोई फोन नंबर है, आप लेके पुलिस में कंप्लेंट करें। ऐसी मैं जो उस पर सवारी बैठ रही है उनसे भी आग्रह करता हूँ ताकि ये गाड़ियां सड़क से हटें और सवारी की जान को खतरा ना हो। कोई एक्सीडेंट होता है इसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगी और आप लोगों की जान पे खतरा है। शहर भर में सर देखते होंगे कि रिक्शे चल रहे हैं जो 4 से 5 साल पुराने रिक्शे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ा हुआ। शहर भर में रिक्शे चल रहे हैं, एक रुपए भी निकलेंगे अगर नजर डालते हो निकलेंगे तो आपको बिना नंबर के रिक्शे नजर आएंगे जी। उसमें जिम्मेदारी प्रशासन की है कि रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शे अगर पकड़े जा रहे हैं वो 4 से 5 साल हो गए। ई रिक्शा की वजह से आज मेट्रो जो है वो प्रॉफिटेबल है और ये कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है। लास्ट माइल से मेट्रो फीडर का काम करता है। ई रिक्शा जो दूर दराज के कस्टमर्स को लाके और वापस उनके घर तक छोड़ने का काम करता है। तो ई रिक्शा के बहुत सारे लाभ हैं और हमारी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं शासन और उसके साथ कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है, कहीं कोई विरोध की भावना नहीं है, लेकिन शायद तालमेल की कमी है और उनके जो एक तरफा जो निर्णय हैं उसकी वजह से ई रिक्शा चालक एक गरीब ई रिक्शा चालक उसके ऊपर जो उनको ई रिक्शा बेचते हैं, बैटरी बेचते हैं, उनको सर्विस देते हैं डीलर, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरर है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जो अवैध ई रिक्शा है वो इतनी ज़्यादा अनुपात में है, उसकी वजह से जो वैध रिक्शा चालक है, जो वैध सारे कागज लेके रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस करा के 15 से 20 हजार रुपए का टैक्स भरकर जो रिक्शा चला रहा है उसको परेशानी है, उसको तंग किया जा रहा है। और इससे होगा क्या कि वो जब वो तंग हो जाएगा तो उतनी जितनी कमाई वो कर रहा है रहित वाहन है ये, कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल का सबसे उपयुक्त विकल्प है ये। आज अगर आप मेट्रो की बात करें लखनऊ में तो मेट्रो भी इलेक्ट्रिक है, ई रिक्शा भी इलेक्ट्रिक है और अभी आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक बस भी चलाने जा रहे हैं। तो इसका बहुत विस्तृत स्कोप है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है इससे, लाखों की संख्या में बेरोजगार भाई ई रिक्शा चलाकर अपनी कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं आज की तारीख में और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है जब ग्लोबल वार्मिंग के समय में इस समय ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही एक विकल्प है। और कहीं ना कहीं ये आदमी से आदमी को खींचने की जो एक कुप्रथा थी उसका अंत करती है ये ई रिक्शा, क्योंकि सारे हमारे पैडल रिक्शा वाले जो हैं वो धीरे धीरे इसमें ई रिक्शा में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप देखते होंगे कि 60-70 साल के बुजुर्ग भी ई रिक्शा साइकिल वाला रिक्शा खींचा करते थे, वो अब ई रिक्शा चलाने लगे हैं। हमारी महिलाएं जो अब घर से बाहर निकल के ई रिक्शा चलाने का साहसी काम कर रही हैं। टूरिज्म पे भी बहुत खास असर डाल रहा है, अभी आप देखिए महाकुंभ है प्रयागराज में 500 ई रिक्शा चलाए गए हैं। उसके बाद जो मूवमेंट कर रहे हैं उन मूव को बंद किया।
प्राइवेट वाले रूट हैं जैसे कि अपना गंज में हो गया या फिर अपना आलमबाग में हो गया, जैसे वीआईपी रूट में जो है उनको बंद किया जाए ताकि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए। अगर पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा तो हजारों की तादाद में जो रिक्शे चल रहे हैं वो रिक्शे चालक क्या करेंगे, उनके लिए कुछ सोचेगा? प्रधानमंत्री जी ने खुद बांटे रिक्शे और प्रधानमंत्री जी के तहत ही की मुद्रा धन योजना के तहत ही हजारों रिक्शे आज की डेट में रिक्शे चालकों को मिले हुए हैं। लाख रुपए का मुद्रा योजना के तहत उनको लोन मिलता है। अगर वो रिक्शे सीज हो गए, माना कि 15 दिन उन्होंने थाने में भरे तो वो रिक्शा चालक ईएमआई कहाँ से देगा? उसके पास कोई भी जरिया नहीं है उसके बाद में कि उसको ईएमआई दे सके। उसके बाद में क्या होगा कि रिक्शा चालक परेशान हो जाएंगे और इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, चाहे वो हमारी हो चाहे वो रिक्शा चालक हो। ठीक, तो हमारी यही मांग है कि जो अवैध रिक्शे चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो वैध हैं उनको चलने दिया जाए और जो रूट बंद है वो एक बार सोच समझ के हमारी कमेटी से डिस्कस कर किया जाए। हमारे जब भी कभी अभी हमारी कोई वार्ता नहीं, हड़ताल हुई प्रदर्शन हुआ तब आप लोग नहीं, हड़ताल में भी गए हम लोग प्रदर्शन में भी गए लेकिन हमारी मांगे कभी सुनी नहीं गई। एक्चुअली रिक्शा चालक यूनियन का मतलब अभी क्या यूनियन थी रिक्शा चालक, ठीक है, अब उसमें ऑथराइज और अनऑथराइज दोनों है, ठीक है, तो हमें किससे बात करनी है, सिर्फ ऑथराइज से बात करनी है, तो इस वजह से हम अपनी टीम अपनी अलग लेके चलेंगे जिसमें सारे रिक्शा चालक होंगे जो कि ऑथराइज रिक्शा चालक होंगे, जिनका सारा डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट होगा रजिस्टर्ड होंगे वो हमारी टीम में जुड़ेंगे। Thanks for watching.